जी, सो बहुत बहुत आशीर्वाद। और थोड़ा आराम करो, क्योंकि किसी ने नींदा करी ही नहीं। सो शाम में फिर देखते हैं। सतगुरु बाला ने चाहा इस तो भी गुना बढ़ चढ़ के सतगुरु खुशियां लुटावेगा, पागा वाला खुशियां पावेगा, पर वो मेरा मौला दिन दुगनी रात चौगनी खुशियां बरसावेगा बरसावेगा बरसावेगा। सो सारा नो जो भी सत्संगत आई है, आप सबको अवतार महीने की फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि भंडारा तो लगातार चल ही रहा है। अब दो दिन का भंडारा है तो ये लगातार ही चलना है। सो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आराम कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। पंडाल खचा खच भरा हुआ है, आगे वाले थोड़ा सा ख्याल रखें, जल्दी ना करें, और पीछे वाले आप रफा जाना है तो पहले वो शुरू हो जाएंगे और फिर आप जाएं। सो मालिक सबको खुशियां दें, और जाना ही आसपास तो आराम से जाना, एक ड्राइवर साथ रहे, ड्राइवर के सत्संगी, नींद आती है तो ध्यान रखे। अगर आप फकीर के वचन मानते हो, काल की ताकत नहीं की बाढ़ भी बंका कर सके। सो आपने अमल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम कीजिए। सोते जागते सेवा सिमरन का फल मालिक बढ़ चढ़ के आपकी झोलियों में दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद जी आए नो, मालिक खुशी दे आशीर्वाद। सभी बहन भाइयों को बेनती है कि जो भाई से स्टेज की तरफ है बहने भाई, वो अभी तक रुके, और जो गेटों की तरफ संगत है पहले उन बहन भाइयों ने जाना है। बिल्कुल भी धक्का नहीं करना, प्रेम से आपने जाना है। आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाएं, पीछे वाले प्रेम से चले। एक ध्यान रखें, जो गुरुमंत्र लेने के लिए आए थे रह गए इधर, वो इधर कोई पंडाल में है तो हाथ खड़ा करे, कोई नजदीक है तो जो नाम वाले रह गए वो पीछे होंगे, जो बाद में आए हैं तो सभी पक्कियां समितियां वाले जिले के 25 मेंबर, 45 मेंबर, 15 मेंबर ब्लाकों के जितने भी नाम वाले बहन भाई रह गए या होर आने वाले हैं, तो सभी की आपने गिनती करनी है, वो कितने बहन भाई रह रहे हैं और कितने हो आएंगे। तो कल सुबह आपने बताना है, स्टेटों के 45 मेंबर इस बात पर पूरा अमल करें, बहने भी भाई भी। और अब सभी बहन भाइयों को बेनती है, जैसे आपने हजूर पिताई के बचनों का सभी ने साथ देना है, सहयोग देना है। और जो साथ संगत आई है उन्होंने ग्राउंड में जाकर गाड़ियों में चढ़ना है। किसी भी ड्राइवर भाई ने अपनी बस कार लेकर रोड के ऊपर नहीं आना, ये ध्यान रखना है। ग्राउंडों में संगत जाए,
वहां अपनी गाड़ी की सवारी पूरी करके फिर ही आपने वो गाड़ी ट्रैफिक ग्राउंड से निकालनी है। जो भैनों वाला गेट, पांचों वाले बड़े गेट हैं, उसके सामने किसी भी भाई ने खड़े नहीं होना, वहां जाम नहीं लगाना। तो आपने ध्यान रखना है, आगे से गेट खाली रखने हैं, रोड खाली रखनी है, वहां जाके भैनों की भेंट नहीं करनी तुसी गेट के सामने। और जो गेटों वाले भाई है, बहने हैं, रोड वाले हैं, वो भी सारे इस बात का ध्यान रखें। और जो जा रहे हैं बहन भाई, छोटे बच्चे वाले बहनों का पूरा ध्यान रखना है आपने। बहने आराम से जाएं, बिल्कुल गेटों पे धक्का नहीं करना, ज्यादा आपने रश नहीं करना। जैसे जैसे जगह खाली होगी वैसे वैसे चलते रहना है। अब गुरु जी के हुक्म अनुसार आपको जाने की आज्ञा है जी, पर पहले पीछे वाले जाएंगे। ये ध्यान रखना है सभी ने, गेटों पे बिल्कुल धक्का नहीं करना। और जुम्मेवार बहन भाई सभी अपनी अपनी ड्यूटियां करते रहें। जितनी देर पूरी साध संगत राम नहीं करती या चली नहीं जाती, उतनी देर सेवादार बहन भाइयों ने राम नहीं करना। सुन दिया भैन आली साइड आके भैन मिल ले भाई, जो भी तुसी कोई अनाउंसमेंट